लो मुंह मीठा करो रशीद। ले तू भी खा, गंगू हलवाई की दुकान से है। खा खा बेटी खा। इस रिश्ते से तू खुश तो है ना उर्मी? हाँ अंकल। अरे अंकल अंकल छोड़, अभी से पिताजी कहने की आदत डाल। पहले शादी तो हो जाने दीजिए मामा। अरे कल सगाई है, बहुत जल्द शादी भी हो जाएगी, क्यों भाई साहब? हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर अल्लाह मियां ने चाहा तो एक साल के अंदर आप दादा भी बन जाएंगे। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर रशीद। अरे इसी दिन के इंतजार में तो मैं जी रहा हूँ। खाओ खाओ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। Come in. Please be seated. धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, मेरा नाम रिगनैनी है। आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोल लेती हैं। वो मेरे पति देव ने मुझे सिखाई है। आपका परिचय? मुझे रशीद खान कहते हैं। नमस्ते। ओह मामा मिया, काबलिट्सा, व्हाट अ ब्यूटी, एकदम परी लगती है। ये आपकी सुपुत्री है? नहीं, मेरी भांजी है और इनकी होने वाली बहू है। आप हैं श्री नर्मदा प्रसाद जी, डॉक्टर। ओ पायलागू प्रणाम। आपके छोटे बेटे के साथ इनका विवाह हो रहा है ना? नहीं, मेरा एक ही बेटा है चाणक्य, और ये उसी की होने वाली पत्नी है। ओह माय गॉड, मर गई। अगर ये आपकी होने वाली बहू है तो मैं कौन हूँ? आप कौन है का क्या मतलब? पिताश्री, लंदन में आपके सुपुत्र ने मेरे साथ शादी की। उन्होंने मेरा नाम मार्गरेट से बदलकर मृगनैनी रखी। मैं ही आपकी बहू हूँ। God promise। ये सब आप क्या कह रही हैं? अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ये देख लीजिए, उनके हाथ का लिखा हुआ पत्र पढ़ लीजिए, प्लीज इन्हें दे दीजिए। लिखा है मुझसे विवाह करके उनसे भूल हुई, इसलिए मुझे सदा के लिए त्याग देना चाहते हैं, अर्थात डिवोर्स। मैं लंदन से आई हूँ उन्हें मनाने के लिए। ये तो चंकी की ही हैंडराइटिंग है। मामू जान, अब मेरा क्या होगा? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। तुम कहाँ लुट गई? तुम तो बच गई, बर्बाद तो मैं हो गई। अरे तुम दोनों कहाँ, बर्बाद तो डॉक्टर भैया हो गए। मार्गरेट, तुम चंकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चंकी, मैं तुम्हें मिलने आई हूँ। चंकी, गेट आउट फ्रॉम हियर। चंकी, गेट आउट फ्रॉम हियर। चंकी प्लीज, चंकी। मार्गरेट, यू गेट आउट फ्रॉम हियर। चंकी, इतना कठोर मत बनो। मेरे गले मत पड़ो मार्गरेट, गेट आउट। मैं गले कहाँ, मैं तो तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ। गेट आउट फ्रॉम हियर। चंकी, ये तो पता चल गया कि तू पहले से ही पहचानता है इसे। अब ये बता, शादी की थी इससे? हाँ ना। ये हाँ ना का क्या मतलब? हाँ का मतलब पिताजी शादी की थी, और ना का मतलब? ना का मतलब पिताजी, ये वो एक भयानक सपना है जिसे मैं भूल जाना चाहता हूँ। ये तो मालूम नहीं कि उस भयानक सपने को तू भूल पाएगा कि नहीं, मगर इसे तू नहीं भूल पाएगा। मामूजान, मामूजान बचा लो, मामूजान, मामूजान बचा लो, मामूजान। मेरे हाथों से नहीं बच सकता तू। भाई साहब हट जा, आज से मैंने तुझे त्याग दिया है, अब मैं तेरा मुंह तक नहीं देखूंगा। तू मर गया है मेरे लिए। तुम कहाँ जा रहे हो ना? जन्नत में जा रहा हूँ, मरने को जा रहा हूँ। तो मेरे लिए भी आत्मपाचा के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। मैं भी आ रही हूँ नाथ स्वामी। मृगनैनी रुको, मृगनैनी। उर्मी जा बेटी, रोक उसे, अरे कहीं वो सचमुच आत्महत्या ना कर ले। हाँ, जा। हे भगवान, हे भगवान, अरे ये सब अचानक क्या हो गया? रशीद, रशीद, ये अचानक क्या हो गया रशीद? अब मैं भैया भाभी को क्या मुंह दिखाऊंगा? भाई साहब, बिन बादल बरसात तो सुना था, लेकिन बिन बादल बिजली गिरते आज पहली बार देखी है। बहुत जोर से धक्का दिया था। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.